सागर खेर का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते। भी हाल फिलहाल नजबगढ़ के अंदर हाँ ये दुकान दिखावांगे आपने। सीमा है जो बात करेंगे, ये एक दुकान भी कर रखी इसने अपनी, दो दो दुकान संभाल रही है कई साल से दो दो दुकान संभाली। बात करेंगे के काम करें हैं यहाँ पर, दुकान किस चीज़ की है। आ जाओ भाई कैमरा मैन तक वहाँ एक बार अंदर आ जाए सीखे से। आगे आ जाओ। लो भाई सीमा कौन सी है जी? या राम राम जी। जी राम राम जी, ठीक हो जी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा किस किस चीज की दुकान है, क्या नाम से दुकान है बताओ थोड़ा। न्यू सीमा बुटीक के नाम से है जी मेरी दुकान जी। और मतलब बहुत पुरानी दुकान है, 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। कौन सी गली में, एक बार अपना एड्रेस बताओ यहाँ। ये यहाँ पे है दिल्ली गेट के पास, न्यू सीमा बुटीक और गोबानी हॉस्पिटल के पास में। जी जी जी। तो क्या क्या काम है आपकी दुकान में? दो दुकान देखी हमने, आप इतना बोझ उठा रहे हो सर पे, दुकान भी भजन भी, यूट्यूबर हरियाणा दिल्ली के आपने जोड़ रखे थे। आज नजफगढ़ में हमने देखा नेता भी थे वहाँ पे, काफी लोग आए थे। हाँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि सब मेरे लिए आए, मेरे को इतना प्यार कर दे, मेरे को बहुत प्यार दिया सबने और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा भाई। बहुत फेमस है यहाँ नजफगढ़ के अंदर और इसकी दुकान भी फेमस है, काम भी बहुत अच्छा करा है। इसके जो कस्टमर भी आ रहे हैं, बात करेंगे एक बार। कस्टमर है ये शुरू से ही मेरे से काम करवाते हैं। अच्छा अच्छा। ये आप इनसे पूछ सकते हो कि मेरा काम कैसा है। ये तो है कि मेरा काम में मेरा नाम है, आज के दिन में इसी बात की खुशी है मुझे। इतने काम माने क्यों कर संभाल रहे हो, दो दो दुकान है ब्यूटी की भी, बिल्कुल संभाल लेते हो? हाँ जी बिल्कुल। एक बार बात कर ले आपके कस्टमर आते हैं। हाँ जी बिल्कुल करो। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो जी? नजफगढ़ से ही। नजफगढ़ से हो जी। हाँ जी। क्या क्या काम कर रहे हैं ये यहाँ पे? इनका बुटीक है भाई साहब, और ये यहाँ पे इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा मतलब पार्लर का भी किया हुआ है और बुटीक का भी है, और ये बहुत ही अच्छा काम करके देते हैं। वो तो भीड़ है, बताओ जी ये इतनी लेडीज आ रही है यहाँ पे, ये दिखा दो भाई मैं कैमरा मैन तक हूँ, देखो कितने चेहरे खड़े हैं। माफी चाहूंगा जी, कदे नहीं होगा हमारी वीडियो पर चले गए जी, मतलब बुलाना तो सबको यहाँ चाह रही थी लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी मैं यहाँ पे आ नहीं पाई। हाँ जी। इसलिए उसकी चीज के लिए मैं सबको सॉरी बोलूंगी। हाँ। तो मैं यहाँ पे बुला नहीं पाई किसी को। कोई बात नहीं जी, के ना गली भी भीड़ी थी, हम भी गाड़ी बाहर लगा के आए हैं भाई, पता लगे हमने हम आए थे असल में इनके भजनान देखने, वहाँ पे काफी लोग आ रहे थे, मार दौरे भी कोल आ रही थी, बोला भाई सीमा ना नजफगढ़ मजता लगा ठा रहा, क्या भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर आ रहे हैं, तो हमने देखना आए थे के आ रहा है। फिर वहाँ पता लगा कि बिजनेस भी संभाल रही है, मगर इतनी कमजोर ही लग गए हैं और काम इतने बड़े ठा रही है। हाँ जी मेरी फैमिली से है। फैमिली से? राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? हाँ ठीक। इतनी हलवी ही छोरी इतने काम ठा रही है, किस तरह चला रही है काम? ऐसे ही चला रही है जी, इसने शौक है। अच्छा। शौक है तो चला रही है।
कई लाख रुपया काम कर रही है नजफगढ़ के अंदर। मेरे को सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे को बहुत प्यार देते हैं और मेरा काम देख के आते हैं सारे। सस्ता दे रहे हो इतने कस्टमर? सस्ता भी दे रही हो और अच्छा भी दे रही हो। अच्छा भी? हाँ जी बिल्कुल, दोनों चीज बहुत अच्छी। मतलब सूटा का काम अपना? हाँ जी, मेरा सूटा का काम है, पार्लर भी है और अभी मैंने जूती का काम शुरू किया है। अभी शुरू किया स्टार्टिंग है जी, जूती अपने 500 रुपए से स्टार्टिंग। एक बार दिखाओगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे सारी जूतियाँ लगी हुई है, दिखाओ भाई, मैं कैमरा मैन तक एक बार दिखा। 600, 700, 800 हर रेंज की मेरे पास मिलेगी, बिल्कुल सब रेंज की मैंने ले रखी है और बहुत ही अच्छी जूती है। सूटा का ब्यूटी पार्लर का तो आपका चल रहा था, मतलब जूती का नया काम शुरू? सारी बहनें मुझे ये कहने लगी कि भाई जूती भी लेके आओ जी, इसीलिए मैंने जूती का काम भी स्टार्ट किया। फुल श्रृंगार कर दिया आपने अपनी। यहीं पे आओ, यहीं पे लो, यहीं पे सिलवाओ और यहीं से तैयार होके। फैशन के मामले में भी और मेकअप के मामले में भी? हाँ जी बिल्कुल। एक बार बात कर ले और कस्टमर आता आपके? हाँ जी बिल्कुल। और कुछ दिखाना चाहते हो आप? हाँ जी बिल्कुल दिखाना चाहते। दिखाओ जी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं। एक बार दिखा दे भाई, मैं कैमरा मैन तक हूँ, एक बार दिखा दे। बढ़िया शीशे वीशे लाग रहे हैं सारा। ये लड़की संभाल रही है पार्लर ने? जी ये लड़की संभाल रही है पार्लर। जी जी जी, बात करें एक बार। हाँ जी। राम राम जी। राम राम सर। अच्छा तो आप मदद कर रहे हो इसकी? जी सर, शी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग लेडी एंड शी इज ए सो क्यूट। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब स्ट्रगल किया है, संघर्षशील। जी बिल्कुल, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने तब ये इस लेवल पे पहुंची है। इसीलिए तो हम हरियाणा से यहाँ इसकी न्यूज कवर करने आए जी। सर आपके लिए भी थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप इतनी दूर से मेरे लिए आए। और सबको बहुत बहुत थैंक यू, जो भी मेरे चैनल को देखेगा, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, उनको बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इतना प्यार मिला है मुझे आज, बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे आज भाई। काफी मेहनती है और हमें इसकी पाछे की लाइफ के बारे में भी आपने बहुत जल्द दिखाए। पहले हम इसका बिजनेस दिखा रहे हैं आपने कैमरे पे। इसने काफी मेहनत की है, जो नजफगढ़ में मिले हमने उनने मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जी। मैंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, बहुत मेहनत की। अपनी दूसरी दुकान और दिखाओ। हाँ जी देखो भाई, सीमा की दूसरी दुकान दिखाओ आज, इसमें सिलाई का काम चल रहा है। ये देख लो भाई, ये भी अपनी है जी, अपनी दुकान है भाई। आ जाओ। राम राम टेल साहब। राम राम जी। कितने साल से काम कर रहे हो? 10 साल से। इसी के अंडर में जी? अच्छा, फिर कपड़े की सिलाई विलाई और क्या क्या हो यहाँ पे बताओ थोड़ा। यहाँ पे लेडीज आइटम सब कुछ बनता है, लेडीज आइटम में मतलब सिलाई ड्रेस भी बनता है जी। और लेडीज सूट, सिंपल सूट तो ये सब तो बनता ही है। अच्छा अच्छा, सब सिलते हो? सब कुछ सिलते हैं। और रेट वेट नॉर्मल रेट है मतलब ना? हाँ नॉर्मल रेट ही है जी। ले भाई देख लो भाई, बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी हैं यहाँ देख लो। एक लड़की ने इतना काम करके दिखा दिया। अगर भाई अपने आम लड़के काम करते शर्मावे हैं, लेकिन इन नजफगढ़ के अंदर बिल्कुल बीच बाजार में जगह है और बीच बाजार में इन्हें संघर्ष कराया है और इसके जीवन का भी संघर्ष बहुत करना है, जो हम आपने बतावांगे अपनी अगली वीडियो में और काफी चीज दिखावांगे हम अपने इनके बारे में। तो भाई इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो। और ये मेरा मास्टर जी है, ये मेरे कारीगर हैं जी। कितना किराया दे आप दोनों दुकान का? दोनों दुकान का जी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये किराया देते हैं लगभग। कितने पैसे लग रहे होंगे आपकी दुकान में? लग रहे होंगे कम से कम 10 लाख रुपये तो लग रहे हैं दोनों में। ये सारे मतलब अपना कमा के जब लगा? बिल्कुल सारे कमा के, पूरा खुद कमा के सारा तब किया है। पहले आप खुद सिलाई कराया करते? हाँ जी पहले मैंने खुद सिलाई की है, फिर लड़कियों से सिलाई भी सिखाई है जी। उसके बाद फिर मैंने बाहर दुकान करी, पहले मेरी घर में ही दुकान थी। और पार्लर का कैसे करे? पार्लर का जी मैंने मतलब पहले पार्टनरशिप करी, फिर अपना खुद फिर खुद का कर लिया। बहुत बढ़िया। तो राम राम जी, आपकी देखी दुकान बड़ी खुशी हुई। इधर बताइए।